नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बरघाटी और हमारे ऑक्टोपैड गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो आज से मैं इस चैनल के माध्यम से ऑक्टोपैड की क्लास चालू कर रहा हूं। तो आज पहला लेसन है और आज हम देखेंगे पहले लेसन में कि कहरवा ताल में पैड कैसे बजाते हैं। तो आज आपने पैटर्न देखा होगा, ये मल्टी पेज है। आप कहरवे की जो भी पैटर्न हो, जैसे जागरण का हुआ, भजन संध्या का हुआ, जैसे भागवत कथा में बजाते हैं, ये पैटर्न बहुत जगह यूज़ होता है। और मैं ज़्यादातर पेज यही वाला यूज़ करता हूँ और बहुत ही अच्छा भर के आता है। तो आज चलिए मैं इसका बजाने का पैटर्न कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो हैंड सबसे पहले हम देखेंगे कि हैंड चलाते कैसे हैं, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड हूँ, आप राइट हैंड के हिसाब से जैसे भी बेस चलाते हो, मैं लेफ्ट हैंड से बेस चलाता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे पहले पूरा पैटर्न, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया है ना। इसी में अब आपको कांगो मिक्स करना है, तो कांगो मिक्स करने के लिए कैसे चलाएंगे पैटर्न देखते हैं। आई बात समझ में? काउंट कैसे करेंगे इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया राइट हैंड, जी ठीक है। समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि कहाँ समझ नहीं आ रहा है। तो इसको दोनों हैंड को कैसे चलाना है, ठीक है। अब दोनों हैंड की काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आया समझ? और इसी के साथ हम जैसे इसी को पूरा लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा कहरवा परकीसन। अब इसी को हम अलग अलग ढंग से कैसे चलाते हैं, अब इसको हम लेते हैं। काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आएगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बस समझ में? अब इसमें हम यहाँ ऊपर रोटो टोम लगाए हुए हैं, इसको कैसे चलाना है आप देखिए। कैसा? इसके बहुत सारे पैटर्न है चलाने के, आप करदम क्या चीज फील करता है, आप किस टाइप के पैटर्न में क्या चीज जमता है, वो आप लगा सकते हैं। दो पैटर्न हो गया फिलहाल, मैं आज का फर्स्ट वीडियो तो मैं कम ही बताऊंगा आपको कि आप धीरे धीरे सीख पाए, ठीक है। तो इसको अब हम बजाते कैसे हैं ढोलक पैड के साथ, चलिए देखते हैं। आया समझ में? अब इसी में हम इसको हैंड कैसे चेंज करेंगे। एक ये पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। एक पैटर्न ये हो गया, दूसरा पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न हो गया। अब इसी का मैं आपको इसी पेज में तीसरा पैटर्न बताता हूँ कि इसको और दूसरे ढंग से कैसे बजाते हैं, देखेंगे। ये हैंड वही रहेगा जैसा चल रहा था, ये इसका चार गुना हो जाएगा। अब ये सिंगल चल रहा था, अब ये रेगुलर चलेगा, ठीक है। ये हैंड रेगुलर चलेगा कैसे,
ठीक है, आया थोड़ा चेंज। हाँ, तो अब इसको हम पूरा रिदम के साथ कैसे बजाएंगे? ये हो गया अपना पैटर्न। अब इस यही पैटर्न में हम आपको हमको कांगो को भी यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे? हैंड वही चलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, पर ये पैटर्न चलेगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसको में कांगो लेंगे, ठीक है। आया समझ में? स्लो बताता हूँ। ठीक है, बीट के साथ देखते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम इसका चौथे स्टेप में चलते हैं कि यही पेंच को हम और दूसरे अंदाज में कैसे बजाएंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा ये डिफरेंट जाएगा ऊपर, कैसा जाएगा ये देखिए। ये पैटर्न हो गया। अब ये हैंड को हमें ये हैंड से कांगो चलाना है। ठीक है, अब देखते हैं ये इस हैंड से हम ढोलक या तबले के साथ बजाएंगे तो क्या फील आता है। तो इसके लिए हम ढोलक प्ले करते हैं। आया समझ आपको? तो ये एक पैटर्न हो गया। इसी के साथ हम जिसको फास्ट भी बजा सकते हैं, जैसे कि फास्ट हमको बजाना है इसी पैटर्न में, दुगन बजाना है। दुगन बजाना है तो कैसा लगा? ये हो गया अपना कहरवा का। बहुत सारे पैटर्न रहते हैं, फिलहाल मैं आपको 3 से 4 पैटर्न, 5 पैटर्न बताया हूँ, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं, और जो भी दिक्कत आती है, हो सके तो मैं इसका डाउनलोडिंग लिंक अपने कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, है ना। और जो भी समस्या आती है या जैसे भी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कौन से पेज का ट्यूटोरियल लेके आऊँ ये भी बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।